शिष्य सिर्फ शिष्य रहता है, वो परमानंद को पा सकता है, वो दसवां द्वार खोल सकता है, नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकता है, लेकिन करवा सकता है तो सिर्फ गुरु। भक्ति करके शिष्य अपने कर्म बना सकता है, जीते जी परमानंद हासिल कर सकता है, अपने लिए खुशियों का ढेर लगा सकता है, लेकिन किसी को खुशियां दिलवा दे, जो किसी के बिगड़े घरों को, उजड़े घरों को फिर से बसा दे, जो तड़फती हुई रूहों को मालिक से मिला दे, वो सिर्फ गुरु कर सकता है। तो इसलिए गुरु की जरूरत हमेशा पड़ती आई। और जिनको दर्द यकीन होता है, अब यकीन करना भी जरूरी है गुरु पे, जिनको दर्द यकीन होता है वो ही मंजिलें पार करते हैं और उन्हीं का उद्धार होता है। जब यकीन नहीं, वो काम कभी ना करो जिस पे खुद को यकीन नहीं। बिना वजह जब आप तुर्रम खां बन जाते हो, बिना वजह जब आप अपने आप को बहुत बड़ा साबित करते हो, कई बार बड़े छोटे हो जाते हो, कई बार थूक के चाटना पड़ता है। इसलिए हमारे धर्मों में, वेदों में लिखा है, बोलने से पहले तोलो, कुछ करने से पहले सोचो, क्योंकि उसका रिजल्ट आपकी आने वाली लाइफ में कैसा पड़ेगा, अगर पहले ही तोल लो, पहले ही सोच लो, तो आप खतरा नहीं खाएंगे। बिन सोचे बिन समझे जब कोई आप कर्म कर बैठते हैं तो आप मार खा जाते हैं। जिस फील्ड का आपको तजुर्बा है उसी फील्ड में ज्यादा रहिए तो ज्यादा अच्छा है। जिसका तजुर्बा नहीं है, इंसान जब उसमें ज्यादा कदम बढ़ाता है तो कई बार गिर जाता है। कई बार आपको उदाहरण दिए, एक छोटा सा उदाहरण ख्याल में आया। ऑफिसर अपने अपने महकमे में ट्रेंड होते हैं। अब नहरी महकमे के ऐसे एक काफी अच्छे ऑफिसर आए और जमींदार को कहने लगे, जी आपके तो फल सब्जियां सब घरों में हो जाती होंगी। वो कहते, हाँ जी खेतों में सब हो जाता है। कहता, आपके खेत में क्या है? कहते, जी आलू लगे हुए हैं। कहते, मैं ले आऊं? कहते, ले आओ सर, मैं तो जा रहा हूं घर। वो गया, घूम घुमा के वापिस आ गया, जमींदार के घर आ गया। कहते, यार तूने झूठ क्यों बोला? जमींदार कहता, क्यों जी? कहते, मैं आपके खेत में गया, सारे पेड़ देख लिए, सारे पौधे देख लिए, कहीं आलू नहीं लटके हुए थे। जमींदार को हंसी आ गई। कहता, जी आप तो पढ़े लिखे बहुत ऑफिसर हैं, बड़े हैं। कहता, हाँ मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। कहता, आओ चलते हैं फिर। उन्हीं की गाड़ी में उसी बाइक पे बैठा, खेत में चला गया। फावड़ा जमींदारों के खेतों में पड़े होते, उठाया। कहता, यार दिखा कहाँ है आलू? कहता, हाँ जी आलू दिख तो नहीं रहे कहीं। जमींदार भी थोड़े ऐसे ही होते हैं कई बार, जब छिट जाए तो। कहता, फिर भी फावड़ा फूवड़ा मार के देखते हैं कि आप तक निकल आए। तो वो पौधा पता ही है, जो जमींदार जानते हैं, आलू कभी बाहर नहीं लगते, नीचे धरती में लगते हैं। तो उसने वो फावड़ा मारा और आलू ही आलू निकला। कहता, यार कमाल हो गई। कहता, जी ऐसी कमाल तो हम करते रहते हैं। से मतलब, अब जिसको पता ही नहीं जिस काम का, उसमें जानबूझ के सिर अड़ाओगे तो गड़बड़ होगी होगी ना। या तो पहले पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए, पहले उस कार्य को अच्छी तरह अपने हाथ में कर लीजिए, फिर उसके बारे में बखान कीजिए। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कभी तो ठुमके लगाए नहीं। कहते, नहीं आपका आंगन टेढ़ा है इसलिए नाचना नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, जिस फील्ड का आपको पता ना हो, हमें लगता नहीं कि उसमें ज्यादा किसी से सुन सुना के तुर्रमबाजी करनी चाहिए। और जब करते हो, आप चाहे जिंदगी में आजमा लेना, बिना सोचे समझे, बिना ऐसा कुछ किए, जब भी आप करेंगे तभी आप मुंह की खाएंगे। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, जो आपकी पूरी लाइफ में काम आएगी। फकीर का तो बताना होता है, आगे मानना ना मानना वो आपकी मर्जी होती है।